नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बिहार के गया जिले में एक शादी के कार्ड की तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्ड में शादी में आने वाले लोगों के लिए स्पष्ट निर्देश लिखा है कि वे शादी में शराब पीकर या हथियार लेकर ना आए। दरअसल जिले के गेवाल बीघा मोहल्ला निवासी भोला यादव, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वे अपनी बेटी की शादी के कार्ड में शराब पीकर आना सख्त मना है लिखवा कर सुर्खियां बटोर रहे हैं। बता दें, 16 फरवरी यानी आज उनकी बेटी की शादी है। ऐसे में उन्होंने शादी के कार्ड पर यह निर्देश छपवाया है कि शस्त्र लेकर समारोह में आने पर मेहमानों को एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं राज्य में लागू शराबबंदी कानून को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लोगों से शराब पीकर ना आने की भी अपील की है। इस संबंध में उन्होंने बताया, ये मेरी पहली बेटी की शादी है, अतिथियों को फोन पर भी इसकी जानकारी देने के साथ साथ आमंत्रण पत्र भी भेजा गया है। उन्होंने बताया, दहेज मुक्त शादी की जा रही है। ऐसे में जिस अतिथि के पास लाइसेंसी शस्त्र है, वे उसे अपने वाहन में रखकर ही शादी समारोह में शामिल हो। भोला की माने तो वे नीतीश कुमार के शराबबंदी अभियान से काफी प्रभावित हुए हैं। उससे ही उन्हें ये प्रेरणा मिली है कि किसी भी शादी समारोह या अन्य पार्टियों में शराब पीकर जाना ये उचित नहीं है और ना ही ये कोई शान की बात है। शादी समारोह में पारिवारिक माहौल होता है, ऐसे में शस्त्र या शराब का कोई औचित्य नहीं है। वहीं भोला यादव की पत्नी बताती है कि शराबबंदी से महिलाओं को ज्यादा लाभ हुआ है, क्योंकि घर में शराबी होते हैं तो महिलाएं ही ज्यादा भुगतती हैं। वहीं परिवार व बच्चों में भी एक खराब संदेश जाता है। इधर गया उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि शादी समारोह में इस तरह का संदेश आमंत्रण पत्र पर छपवा कर लोगों को देना सराहनीय पहल है। समाज में एक अच्छा संदेश दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।